इसी तरह की गतिविधियों का स्रोत है। देखिएगा, हम बात कर रहे थे अवृतबीजी पादपों में जनन के बारे में। अवृतबीजी पादपों में हमने देखा कि बीजाणुवाले पादप किस प्रकार से एक संपत्ति पादप का निर्माण कर सकता है। इसके लिए हमने तीन तरीके देखे थे, कायिक जनन, अयोनिक जनन और लैंगिक जनन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इन अलैंगिक जनन के बारे में। तो इसमें हमने इसे पिछले वीडियो में भी देखा था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो उसके लिए हमने बोला था कि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यह एक पुष्पीय पादप है, और ये पुष्पीय पादप जो है इसकी जड़, तना, पत्ती, पुष्प, तना इत्यादि आप संरचना देख रहे हैं। अलैंगिक जनन वास्तव में एक ऐसा जनन होता है जिसके अंदर बिना युग्मक जनन के, युग्मक जनन के सीधा क्या होता है, संतति का निर्माण होता है। बिना युग्मक जनन के संतति का निर्माण होता है। अब इसके अंदर यदि हम अनावृतबीजी पादपों तक की बात करें तो उनके अंदर कुछ विशेष संरचनाएं बनती है जो कि डिप्लॉयड होती है, मतलब द्विगुणित होती है, और वो संरचनाएं जो है आगे अंकुरित होकर नव पादप का निर्माण करती है। तो उन संरचनाओं को हम कहते हैं बीजाणु। अब यदि हम आमृतबीजी पादपों की बात करें तो बिना किसी अपवाद के सभी आमृतबीजी पादप पुष्पीय होते हैं, उनमें पुष्प उपस्थित होते हैं। पुष्प उपस्थित होते हुए भी, मतलब लैंगिक अंग उपस्थित होते हुए भी, कुछ पादप ऐसे हैं जो अलैंगिक जनन भी प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम अलैंगिक जनन की बात करें पुष्पीय पादपों के अंदर, तो यह दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार इसका होता है अनिश्चित बीजता, और दूसरा इसका प्रकार जो है वो होता है कायिक जनन। अनिश्चित बीजता का मतलब होगा बिना निश्चित जनन के बीज का निर्माण होना, या फिर बिना निश्चित के स्पर्म भ्रूण का निर्माण हो। बिना निश्चित जनन के भ्रूण का निर्माण कैसे हो सकता है, यह बात हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको एक बार के लिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, और इसके छोड़ने का क्या कारण है ये हमें बाद में समझना है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है कायिक जनन, वेजिटेबल रिप्रोडक्शन। वेजिटेबल रिप्रोडक्शन का मतलब कल हमने पता किया था क्या होता है, कि या तो उसकी जड़ या उसका तना या उसकी पत्ती किसी तरीके से मूल पादप से पृथक होकर यदि नए पादप का निर्माण करती है, तो ये स्थिति जो है वो क्या कहलाती है, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाती है। यदि बात करें छोटे पादपों की, जैसे शैवाल की, तो एक कोशिकीय होती है। अब एक कोशिकीय तेजस्वी पादप जिसमें न तो जड़ है, न तना है, न पत्ती है, तो वो कैसे कायिक जनन करते होंगे, तो उसके अंदर अलग से विधियां होती है, जैसे विखंडन के द्वारा, जैसे खंडन के द्वारा, जैसे हार्मोन द्वारा, या फिर जनका जानवरों द्वारा, चल जानवरों द्वारा, अचल जानवरों द्वारा, सुषुप्त जानवरों द्वारा, अलग अलग तरीके से उनके अंदर हम देखते हैं कि उनकी कायिक जनन और अलैंगिक जनन होते हैं। देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर आवृत्ति की बात करें, तो यह जड़ तनाव और पत्ती उपस्थित है, तो ये जड़ तनाव और पत्ती के द्वारा अपना जनन प्रदर्शित करते हैं। कुछ पादप जो है वो हम देखते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि कायिक जनन के अंदर, कायिक जनन के अंदर भी दो तरीके के जनन। पहला जनन जो है वो प्राकृतिक जनन है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कह सकते हैं, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। और दूसरा जो होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कृत्रिम कायिक जनन।
इसमें से जो पहला प्रकार है प्राकृतिक इकाई जनन, मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक तरीके से स्वतः हम उसमें कुछ भी कर रहे फिर भी उस पौधे का भाग जो है कोई भी भाग अपने आप नए पौधे का निर्माण कर रहा है तो वो क्या है प्राकृतिक कार्य। अब देखिए यदि पौधे का तना नए वाले का निर्माण करता है तो तने के द्वारा प्राकृतिक कार्य जनन कहलाएगा। अब कौन कौन से भाग में ऐसा होता है, आलू जो होता है उसका कंद उसके ऊपर जिसको हम आलू की आंख कहते हैं उसको यदि भूमि में रोपित कर देता है तो क्या करता है नव पादप का निर्माण कर देता है। ऐसे ही अदरक और हल्दी जो है वो प्रकंद है इसके द्वारा जनन करते हैं नए पादप नए विकसित करते हैं। प्याज और लहसुन जो है वो शलाकंद है तो ये अपने शलाकंद के द्वारा जनन करते हैं। अरवी जो होती है वो घनकंद होती है तो वो घनकंद के द्वारा अपना जनन करती है। घास जो होती है ऊपरी कोशिका ही होती है। ऐसे ही यदि हम बात करें पुदीना की तो वो अंतः कोशिका ही होता है और यदि बात करें स्ट्रॉबेरी की तो वह कोशिका का प्रकार का तना होता है। ये कंद कंद शलाकंद घनकंद कोशिका ऊपरी कोशिका अंतः कोशिका क्या होता है ये हम ज्ञात के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बात है कि यह होगी तने की तने के द्वारा जनन होगा। दूसरा जड़ के द्वारा यदि किसी पौधे की जड़ के ऊपर यदि कोई नया पादप विकसित होता है तो वो क्या करता है जड़ के द्वारा प्राकृतिक कार्य करता है। अब देखिए हमने कई बार ऐसा देखा है कि समय नीम उगा हुआ होता था और उस नीम की जड़ के ऊपर नया नीम उग जाता है तो ये क्या हो गया जड़ के द्वारा प्रलोभ तंत्र का निर्माण हो गया। इसको हम कहेंगे जड़ के द्वारा कृत्रिम सॉरी प्राकृतिक कार्य करना। ऐसा नीम के अंदर देखने को मिलता है चमेली के अंदर देखने को मिलता है शिशु के अंदर देखने को मिलता है। आगे भी हम बात करें पत्तियों के द्वारा कार्य जनन देखिएगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं हाँ जड़ के द्वारा कार्य जनन के अंदर कंदमूल का कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक जड़ जो है वो रूपांतरित होकर कंद का निर्माण कर लेती है और उन कंदमूलों के ऊपर कुछ अपस्थानिक कलिकाओं का निर्माण होता है और वो अपस्थानिक कलिकाएं नव पादप के विकास में या निर्माण में सहायक होती है। ऐसा शकरकंद के अंदर होता है डहेलिया के अंदर होता है ऐसे वृक्ष के अंदर देखने को मिलता है किसके द्वारा कंदमूल के द्वारा कायक जन। अगला है पत्तियों के द्वारा जन पत्ती जो है उसके किनारे के ऊपर या उसके वर्ण ग्रंथ के ऊपर यदि कुछ कविताएं विकसित होता है और उनसे नए पादप का विकास होता है तो वो पत्तियों के द्वारा कायक जनन के लिए जैसे ब्रायोफिला पत्ती की जो कोर होती है फलक होती है उसके ऊपर कुछ कृत्रिम कलिकाओं का निर्माण होता है वो कृत्रिम कलिकाएं जो है नए पादप का निर्माण करती है और बिगोनिया जो है इसके अंदर वर्ण ग्रंथ के ऊपर कुछ कलिकाएं विकसित होती है फलक के ऊपर भी होती है और वो नव पादप का निर्माण करता है। उसके बाद चौथे प्रकार का प्राकृतिक कायिक जनन जो है वो होता है जननांगों के द्वारा जननांग मतलब पुष्प। अब देखिए पुष्प जहां पर विकसित होता है उसके पहले पुष्प कलिका विकसित होती है। देखिए कुछ पादपों के अंदर ऐसा होता है पुष्प कलिका रूपांतरित होता है और पुष्प कलिका रूपांतरित होकर निर्माण कर देती है पत्र कलिका और वो पत्र कलिका जो है वह निर्माण करती है नए पादप का। तो इस तरीके का जनन जो है वो जननांगों के द्वारा कृत्रिम प्राकृतिक कार्य जनन कहलाता है। ऐसा हम देखते हैं इसके अंदर राम बांस के अंदर और रतालू के अंदर। तो अभी तक हमने पढ़ा कि रंगीन जनन क्या है ये कितने प्रकार का अनिश्चित बीज का इसको हमने छोड़ दिया क्या छोड़ा ये हमें बाद में समझने आया। उसके बाद में कायिक जनन कायिक जनन दो तरीके का प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। पहला प्रकार प्राकृतिक कायिक जनन हमने अच्छे से पढ़ लिया अभी हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन अगले पाठ में। इसके तो आगे मैंने लिख दिया है कृत्रिम कायिक जनन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये देखिएगा कृत्रिम कायिक जनन हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह स्वतः नहीं होता इसको हम करवाते हैं। हम कैसे करवाते हैं जैसे कोई एक पादप इसमें जैसे हम उसके पदार्थ देखें तो कृत्रिम कायिक जनन जो है वो तीन तरीके से करवाया जा सकता है पहला तर्पण या कटिंग के द्वारा दूसरा लेयरिंग को हिंदी भाषा में कहेंगे हम दाब लगाना
बेसिक जो उम्मीद है वो है व्याप्ति, जिसको हम कहते हैं रूपण। तो कुल मिला के कितने प्रकार होंगे, केंद्र, कटिंग, लेयरिंग और व्याप्ति। अब इसमें हम देखेंगे कटिंग जो होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो पादप है उसके किसी एक भाग को काटा और उसको सीधा जमीन में रोप दिया और उससे नया पादप विकसित हो जाता है। तो यह कृत्रिम विधि काइटिन की जो विधि है वो क्या कराएगी, कृत्रिम कर्तन के द्वारा या कटिंग के द्वारा कृत्रिम काइटिन जन्म। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हम दो तरीके से दो भागों की कटिंग कर सकते हैं। पहला स्टेम कटिंग, मतलब स्तंभों को काट सकते हैं, उसका तना को उसको काट कर रोप सकते हैं। तो ऐसा हम किन किन पादपों में कर सकते हैं, जैसे गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगेनविलिया है, इन पादपों के अंदर हम उसका तना काट कर जमीन में रोप देंगे। तो उस तने से जगह विकसित हो जाएगी और नव पादप विकसित हो जाएगा। दूसरा है रूट कटिंग, जड़ को काट कर या उसके टुकड़े करके जमीन में रोप दें तो नया पादप विकसित हो जाएगा। ऐसा हम नींबू में कर सकते हैं, अमरूद में कर सकते हैं, सेब में कर सकते हैं, चेरी में कर सकते हैं। उसके जड़ को काट कर रोप दिया तो नया पादप विकसित हो जाएगा। दूसरी विधि जो है वो है लेयरिंग, लेयरिंग मतलब दाब लगाना। इस विधि के अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ये एक पादप है, छोटा सा पादप है, इसकी ये शाखाएं हैं। अब इसकी शाखा जैसे कोई ऐसा सामान्यतः झाड़ी वाले पादप में करते हैं जिनकी निचली शाखाएं बहुत कोमल होती है, जिनको मोड़ा जा सकता है, इस शाखा को ऐसे मोड़कर इसको जमीन के अंदर दबा दिया जाता है। जमीन में दबा के समय ये ध्यान में रखा जाता है इसकी कम से कम स्टैंड की एक पक्ष ही हो गया वह जमीन के अंदर आनी चाहिए, एक से अधिक भी आ सकती। अब इसके ऊपर दाब लगा दिया जाता है, रेत डाल दी जाती है, इसके ऊपर समय समय पर पानी दिया जाता है। चार पांच छह सात दिनों के बाद हम देखते हैं कि इस पर्वसंधि से क्या हो जाता है, जड़ें विकसित हो जाती है। दाब लगाते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि उसका शीर्ष दाब अर्थात जिस पर पत्तियां वह खुला रहना चाहिए। हम इस तरीके से इसको हम कुछ दिनों तक रखते हैं, उससे जड़ें विकसित हो जाती है, उसके बाद इसको मूल पर्व से पृथक कर दिया जाता है, मूल पर्व इधर है और इधर नया पर्व विकसित हो जाता है। तो इस विधि को हम कहेंगे ईला दाब विधि। ईला बनाकर किसी शाखा से नया पादप विकसित करवाना ईला दाब विधि कहलाती है। और ऐसा हम कहां पर देखते हैं, चमेली में और मोगरा के अंदर ऐसा किया जा सकता है। उसके बाद दूसरी विधि है गुट्टी दाब विधि। गुट्टी दाब विधि जो है वो सामान्यतः वृक्षों में अपनाई जाती है, क्योंकि ऐसा हम यदि देखें ये बहुत बड़ा वृक्ष है जिसकी शाखाएं काफी ऊंचाई पर ज्यादा लग रही है, तो ऐसे वृक्ष की जो टहनी है उसको जमीन में दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत अधिक कास्टली होगी। अब इसको हम ग्रहण करवाने के लिए इसकी किसी एक शाखा के ऊपर क्या करेंगे, कट लगाएंगे और कट लगाकर उसके ऊपर क्या करेंगे, रुई लपेट दें। रुई लपेट कर अर्थात उसको भिगोकर रखेंगे, रुई को लपेट दिया, उसके ऊपर कोई धागा बांध दिया और इस शाखा के ठीक ऊपरी भाग में यहाँ पर कोई पानी का बर्तन बांध देंगे और उसके नीचे वाले भाग से एक धागा निकालकर इसके ऊपर लपेट देंगे, जिससे इस रुई के ऊपर समय समय पर पानी आता रहेगा और इस भाग पर जहाँ पर आपने गुट्टी बांधी है इस गुट्टी वाले भाग पर जड़ें विकसित हो जाएगी, जिसको आप मूल पादप से पृथक करके कहीं पर रोपित कर देंगे तो नव पादप का विकास हो जाएगा। तो ये दूसरी लेयरिंग की विधि थी, लेयरिंग दो तरीके से की जा सकती है, एक माउंड लेयरिंग और दूसरी होती है गुट्टी लेयरिंग या एयर लेयरिंग जिसको कहते हैं। अब देखिएगा ये हुई लेयरिंग, उसकी दाब लगाकर उससे नया पादप विकसित करना। और तीसरी विधि जो है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब हो गया रोपण। रोपण हम किसको कहेंगे, मान लेते हैं कोई एक पादप है जो कि कीमती पादप है, उससे अच्छी फसल प्राप्त हो रही है, लेकिन वह पादप हमारे इस क्षेत्र में नहीं हुआ, तो हम ऐसे पादप को उगाने के लिए या उससे अधिक उत्पादक प्राप्त करने के लिए हम उसको किसी अन्य पादप के ऊपर रोपित कर देते हैं। जैसे ये कोई अन्य पादप है, इस पादप के ऊपर नए पादप को हम रोपित करेंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन दोनों पादपों को काटेंगे, नीचे का भाग किसी अन्य पादप का, ऊपर का भाग किसी अन्य पादप का। तो ये विधि को कहलाती है, ये ग्राफ्टिंग कहलाती है या रोपण कहलाती है। इसमें जिस भाग को रोपा जाता है या ऊपर लगाया जाता है उस भाग को हम कलम कहते हैं, और जिस भाग पर रोपा जाता है उस भाग को हम स्तंभ कहते हैं। तो कुल मिला के स्तंभ के ऊपर कलम को
रोपा जाता है, इस विधि को हम रोपण या ग्राफ्टिंग कहते हैं। देखिएगा ग्राफ्टिंग चार तरीकों से की जा सकती है, पहली है जीपी रोपण, दूसरा होता है खच्चर रोपण, तीसरा होता है केविटी अंकुर रोपण और चौथा होता है कलिका रोपण। तो कुल मिलाकर रोपण कितने तरीके से हो गया, चार तरीके से। इस रोपण को हम देख रहे हैं अपने टॉपिक। अगला हम देखते हैं रोपण, जो कि प्रजनन का एक चरण का अंतिम टॉपिक था। इसमें रोपण में हमने पढ़ा था चार प्रकार से रोपण किया जा सकता है, पहला जीपी या जीवारोपण जिसको हम कहते हैं कंजू ग्राफ्टिंग, दूसरा होता है खच्चर रोपण जिसको बोलते बेस ग्राफ्टिंग, तीसरा होता है मोटर रोपण जिसको बोलते ग्राउंड ग्राफ्टिंग, और चौथा जो होगा उसको बोलते कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब मैंने आपको बताया था किसी पौधे के ऊपर किसी दूसरे पौधे को रोपित करना ग्राफ्टिंग कहलाता है। अब इसके अलग अलग तरीके आप कैसे चार तरीके से किसी एक स्तंभ के ऊपर किसी एक कलम को रोपित कर सकते हो। पहला ऐसा तरीका जो है वो है जीपी रोपण या जीवा रोपण। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये इस तरीके से आप देख रहे हैं इसका कलम और स्तंभ जो है दोनों समान मोटाई के होते हैं, समान मोटाई के स्तंभ के ऊपर इस तरीके से आकार का केला लगाया जाता है और ऐसा ही केला कलम के ऊपर लगाया जाता है, दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, ऊपर धागे से अच्छी तरीके से बांध दिया जाता है और इसको कुछ दिनों तक पानी दिया जाता है जिससे ये आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरीके की ग्राफ्टिंग जो है वो क्या कहलाती है, जीवा रोपण या कंजू ग्राफ्टिंग कहलाती है। दूसरा प्रकार जो है खच्चर रोपण, खच्चर या वेद वेद वर्षों में बोलते हैं छेनी। इस तरीके का लगभग त्रिभुजाकार या फिर हम कह रहे हैं कि भाले के मुख जैसा आगे का जो उपकरण होता है उसको हम बोलते हैं बेज। अब देखिएगा इसके अंदर आप कर रहे हैं कलम और स्तंभ दोनों आकार में बराबर है, लेकिन इसके स्तंभ के अंदर भी आकार का चेहरा बनाया जाता है, जबकि कलम के बेज के आकार का अर्थात छेनी या भाले की नोक के आकार का जो चेहरा है वो लगाया जाता है और इस भी आकार के चेहरे के अंदर उसको फिट कर दिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है और कुछ समय के लिए या कुछ समय के बाद ये जो दोनों पदक है वो आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरीके का रोपण जो है उसको बोलते हैं खच्चर रोपण। तीसरा होता है मुकुट रोपण। मुकुट रोपण के अंदर एक मूल चीज आपको याद रखनी है कि कलम और स्तंभ जो है उनकी मोटाई बराबर नहीं होती है, स्तंभ अपेक्षा बहुत अधिक मोटा होता है जबकि कलम जो है वो बहुत छोटी होती है और एक स्तंभ के ऊपर कई सारी कलम जो है वो एक साथ में रोपित की जा सकती है। इसकी जो रोपण है उसको बोलते हैं मुक्त रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग। चौथा जो ग्राफ्टिंग होता है उसको हम बोलते हैं कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। इसके अंदर क्या करते हैं, स्तंभ जो होता है उसके छाल में टी आकार का चीरा लगाया जाता है, उसके अंदर बड अर्थात कुल की तरह उसके अंदर एक अन्य पादप का रोपण कर दिया जाता है, कलम का रोपण कर दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। एक चीज और ध्यान रखनी है, किसी भी पादप के अंदर केवल एक ही प्रकार का जनन पाया जाता है यह हम नहीं कहेंगे, यह कहेंगे कि किसी भी एक पादप के अंदर तीनों प्रकार के जनन पाए जा सकते हैं और यह भी आवश्यक नहीं है कि किसी भी एक पादप के अंदर तीनों प्रकार के जनन हो। ये लाइन याद रखनी है कि किसी भी पादप के अंदर तीनों प्रकार के जनन अर्थात लैंगिक अलैंगिक और काय जनन हो सकता है, और दूसरे शब्दों में यह लिखा है जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पादप के अंदर तीनों प्रकार के जनन हो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आगे देखेंगे अगला लैंगिक जनन, उसके बाद देखेंगे हम अपजन्म।